हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्टेक में। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि एक कॉन्ट्रैक्टर क्या है, वो कैसे काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर की वो पावर वायरिंग कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं, और एक कॉन्ट्रैक्टर और रिले, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन या मतलब क्या है। कॉन्ट्रैक्टर एक ऐसा उपकरण या डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी को लोड से कनेक्ट, डिसकनेक्ट और मेक और ब्रेक करने का काम करता है। उदाहरण के तौर पर हम इलेक्ट्रिक मोटर को चालू या बंद करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। हमें कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत क्यों है? क्या हम मोटर को डायरेक्ट कंट्रोलर या पीएलसी से कनेक्ट नहीं कर सकते? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि अगर हम मोटर को डायरेक्ट कंट्रोलर या पीएलसी से कनेक्ट करते हैं, तो इन केस अगर मोटर से कोई सर्ज कंट्रोलर या पीएलसी के पास गई, तो पीएलसी या हमारा कंट्रोलर खराब हो सकता है, जो कि बहुत महंगा साबित होगा। इसीलिए इंजीनियर्स हमेशा कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करना प्रेफर करते हैं। अभी मेरे सामने ये एक कॉन्ट्रैक्टर है जो मैन्युफैक्चर्ड बाय सीएनएस, ये 25 एम्पीयर्स रेटिंग का है। और अभी इसमें अगर आप देखोगे तो ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्टर का सबसे मेन पार्ट रहता है, वो रहती है उसकी कॉइल A1 A2। और ये जो कॉइल है, ये डिपेंड्स ऑन आपके एप्लीकेशन, 24 वोल्ट AC DC या फिर 230 वोल्ट AC DC हो सकती है। आफ्टर दैट आप देख रहे रहेंगे जो इनपुट टर्मिनल्स, जो L1 L2 L3, ये जो है ये कॉन्ट्रैक्टर के इनपुट टर्मिनल्स है, जहाँ पे आपका मेन सप्लाई RYB फेज आके टर्मिनेट होगी। ये जो आप देख रहे हैं नीचे T1 T2 T3, ये जो टर्मिनल्स है, यहाँ पे आपके जो RYB फेज आएगा, ये यहाँ से आपके T2 T1 से निकल के मोटर के R फेज में, Y फेज में और B फेज में कनेक्ट हो जाएंगे। या इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि ये T1 T2 T3 पे आपके लोड कनेक्ट हो सकता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 13 और 14 नंबर्स पे एक NO कॉन्टैक्ट्स दिया है। अभी ये NO कॉन्टैक्ट्स को आप ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स या एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट्स भी बोल सकते हो, जो कि आपको यूज़ होंगे आपके मोटर का इंडिकेशन या ऑन ऑफ इंडिकेशन या फिर अलार्म के लिए। आप ये जो कॉन्टैक्ट्स है वो मेजरली यूज़ होते हैं आपके स्टार स्टार डेल्टा स्टार्टर्स में, सॉफ्ट स्टार्टर्स में। अभी मैं आपको एक कॉन्टैक्टर को ओपन करके दिखाता हूँ कि कॉन्टैक्टर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो दिखते कैसे हैं, कि जिससे आपको एक बेसिक आइडिया तो मिल जाए। दोस्तों, ये है कॉन्टैक्टर्स के इंटरनल पार्ट्स। कॉन्टैक्टर्स के ये जो मेजर पार्ट है, होती है कॉइल। कॉइल के ये दो स्क्रूज जो आपको दिख रहे हैं, ये होते हैं इनके दो टर्मिनल्स। तो मेजरली इसके होती है कॉइल। आफ्टर दैट इसके अंदर होती है एक फिक्स मैग्नेटिक आयरन कोर। और जो तीसरा मेजर पार्ट रहता है वो होती है स्प्रिंग। ये स्प्रिंग और ये जो रहते हैं इनके रहते हैं, इनको कहते हैं मूविंग मैग्नेटिक आयरन कोर। ये मूविंग मैग्नेटिक आयरन कोर आपके जो मेन टर्मिनल्स हैं सप्लाई वोल्टेज के, उनको मेक एंड ब्रेक करने के लिए यूज़ होती है। अब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग कैसे की जाती है। तो कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग दो तरीके से की जाती है, एक कंट्रोल वायरिंग और एक पावर वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर्स के दो टर्मिनल कॉइल के टर्मिनल्स है A1 A2, यहाँ पे आपके कंट्रोलर से जो सप्लाई आ रही है वो कनेक्ट होती है। और जो सेकेंड टाइप है पावर वायरिंग का, उसमें L1 L2 L3 ये जो इनपुट टर्मिनल्स है, यहाँ पे आपके MCB से जो मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है वो कनेक्ट हो जाएगी। T1 T2 T3, यहाँ पे आपका लोड कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहे तो T1 T2 T3 के बाद ओवरलोड रिले भी कनेक्ट कर सकते हैं फॉर प्रोटेक्शन। अब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर वर्क कैसे करता है। तो अभी आपके सामने जो इमेज है उससे आपको पता चल रहा रहेगा कि कॉइल को अभी तक हमने कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, तो सभी अपने नॉर्मल स्टेट्स में हैं कॉन्टैक्ट्स, और मोटर भी ऑफ है।
कॉइल को जैसे ही कंट्रोलर या पीएलसी से इलेक्ट्रिक सप्लाई प्राप्त होती है, कॉइल एनर्जाइज होती है और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, जिससे कि कॉन्टैक्टर्स के कॉन्टैक्ट्स ओपन से क्लोज होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक सप्लाई एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है और मोटर ऑन हो जाती है। जैसे ही कंट्रोलर से कॉन्टैक्टर के कॉइल टर्मिनल्स पे जाने वाला सप्लाई बंद हो जाएगा, कॉन्टैक्टर की कॉइल डीएक्टिवेट हो जाएगी और कॉन्टैक्टर्स के जो कॉन्टैक्ट्स नॉर्मली अभी क्लोज थे वो क्लोज कंडीशन से ओपन हो जाएंगे और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ब्रेक होने की वजह से आपकी मोटर ऑफ हो जाएगी। अभी मैं आपको कॉन्टैक्टर को ऑन और ऑफ करके बताता हूँ। अभी ऑलरेडी मैंने कॉन्टैक्टर के जो कॉइल है उसमें A1 फेज दे चुका हूँ, क्योंकि अपना जो कॉन्टैक्टर है उसकी कॉइल का जो वोल्टेज रेटिंग है वो है 230 वोल्ट AC। ऑलरेडी मैंने A1 पे फेज दे चुका हूँ और जैसे ही मैं जो A2 कॉइल है वहाँ पे नेगेटिव A2 फेज दे देता हूँ, कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज हो जाएंगे और जैसे ही मैं मेरी मेन सप्लाई बंद कर दूंगा वो अपनी नॉर्मल पोजीशन या नॉर्मली ओपन हो जाएंगे। फिर से एक बार दिखाता हूँ, अभी कॉन्टैक्टर नॉर्मली ओपन क्लोज में है। जैसे ही मैं कॉइल को एक्टिवेट करता हूँ जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी और प्लंजर एक्टिवेट हो, प्लंजर को नीचे खींच लेगा और कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो जाएंगे। ये हो गए कॉन्टैक्ट्स क्लोज, और जिससे कि आपके जो मेन RYB फेज आ रहे हैं L1 L2 L3 लाइन पे वो पास ऑन हो गए टूवर्ड्स T1 T2 T3 एंड। और ये जैसे ही मैंने कॉइल डीएक्टिवेट कर दी या कॉइल को जाने वाला सप्लाई ऑफ कर दिया, कॉन्टैक्ट्स आपके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। ये जब भी आप कॉइल को एक्टिवेट करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये टक करके एक आवाज़ आती है, तो उससे डरने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड वजह से आवाज़ आती है। ओके, अब हम देखते हैं कि कॉन्टैक्टर और रिले इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि रिले और कॉन्टैक्टर दोनों एक जैसा समान कार्य ही करते हैं, लेकिन रिले जो है वो हम नॉर्मल एप्लीकेशंस या स्मॉल एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं जहाँ पे लोअर रेटिंग्स रहेगी, और कॉन्टैक्टर्स जो है वो बिगर एप्लीकेशंस और जहाँ पे लोड ज़्यादा है वहाँ पे यूज़ होता है। अपने घर के जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस रहते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी पे काम करते हैं, और जो कॉन्टैक्टर है इट्स वर्क ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और हमेशा एक बात याद रखना, ओवर वोल्टेज की वजह से आपकी कॉइल जलेगी और ओवर करंट की वजह से आपके जो टर्मिनल्स है, इनपुट टर्मिनल्स L1, L2, L3 या फिर आउटपुट टर्मिनल्स, वो जलेंगे। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इनकेस आप किसी नए टॉपिक के ऊपर कुछ वीडियो बना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए। चलिए, थैंक यू।